कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सीहोर जिले के भैरुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। जीतू पटवारी ने कहा कि बुधनी एक ऐतिहासिक विधानसभा रहा है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर तंज कसा। उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, साथ ही कहा कि हमारी सरकार आने पर बहन के खाते में 8,500 रुपए डालने की बात, वहीं एक साल में 1,00,000 रुपए दिए जाने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसान का 2,00,000 तक लोन माफ करेंगे, श्रमिक को 400 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो वफादार है उसका ध्यान रखा जाएगा। जो गरीब है उसके लिए मेरा आग्रह है कि 400 रुपए से कम खेतों में काम करोगे किसानों के, और किसान भाइयों मजदूरी करेंगे किसान, श्रमिक आपके खेतों में आपके साथ, और कांग्रेस पार्टी 400 रुपया हर खेतिहर मजदूर के खाते में डालेगी। हमने निर्णय लिया है 5 न्याय के अंतर्गत कि कोई वो परिवार जो समर्थन मूल्य की गारंटी की लड़ाई लड़ रहा है, किसान जब फसल बोता है तो उसको याद रहना चाहिए मेरा गेहूं क्या भाव बिकेगा, मेरा सरसों क्या भाव बिकेगा, मेरा मूंग क्या भाव बिकेगा, मेरी दलहन क्या भाव बिकेगी, समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बजरंगबली शर्मा जी, आपकी सेवा कर रहे हैं हमारे और भी परिवार के साथी जितने भी है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि सबने एक दूसरे के लिए ताली बजाई है, इतना ही है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वफादार है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बात याद रखी जा रही है। कार्यकर्ताओं से आज मैं मिलने आया था, लच्छूलालन बुधनी के परिवारजनों से। मैंने उनसे वचन दिया है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव जाएगा मैं पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में रात रुकूंगा। हाँ। और उसकी शुरुआत बुधनी से कर। भाई साहब अभी आपने एक आरोप, मैं मानता हूँ आरोप नहीं लगाया मैंने, मैंने जो बोला सच बोला। नहीं अभी आपने बोला 50 करोड़ में प्रताप भानु जी को खरीदने की कोशिश की, एक बार नहीं 4 बार मुझे फोन किया और ये कहा कि मेरा फार्म निकलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, करोड़ों का ऑफर है। तो मैंने उनसे कहा आपका क्या सोच है कि मर जाऊंगा आखिरी बूंद तक कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए लड़ूंगा कांग्रेस की विचारधारा की, उनके सामने ही कहा, उनने भी हाँ किया। तो मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, एक ईमानदार कार्यकर्ता है, हमारी 5 न्याय की गारंटी जो घर घर में मदद करेगी, जो हमारे कार्यकर्ताओं घर घर जाए अपनी गारंटियां बचाए और ईमानदारी से बहादुरी से लड़े, ये मैंने सबसे